गुड़ियारी इलाके में बीती रात एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब गौसेवकों ने वहां से गुजरते एक ट्रक को रोका। ट्रक रोकने के पीछे की वजह उससे रिस रहा खून और लगातार आ रही दुर्गंध थी। बताया जा रहा है कि ये ट्रक उड़ीसा से रायपुर आ रहा था, जिसमें भारी मात्रा में गौमांस होने की आशंका जताई जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौसेवा का हवाला देते हुए ट्रक को चालक समेत पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब भी ट्रक में मौजूद सामान की तहकीकात में लगी हुई है। ट्रक में गौमांस था या कुछ और, इसकी पुष्टि अभी पुलिस की तरफ से होनी बाकी है। पुलिस गुड़ियारी थाने में खड़ी ओडिशा पासिंग की ट्रक को पकड़कर उसके चालक से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में चालक ने इतना बताया कि वह उक्त मांस को कलकत्ता ले जाने की तैयारी में था। गौमांस तस्करी की सूचना पर गौ सेवक भारी संख्या में एकत्रित होकर थाने पहुँच गए हैं और थाने का घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि इस मामले में ट्रक ड्राइवर ने मिराज पेट्रोल पंप का नाम लिया है, जिसके मालिक ने ट्रक को उड़ीसा से यहां मंगवाया था। गौ तस्करी का मामला दिल्ली थाने में पहुंचा है। कल रात को जो है गौ तस्करों को आपने पकड़ कर यहां पे 3 से 4 दिन में यहां से हजारों गौवंश का चमड़ा यहां से जाता है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर में गौवंश का अंतिम संस्कार चालू का चमड़ा आ रहा है। वहाँ से पूरे गौ सेवकों का ये है कि कहीं ना कहीं ये चमड़ा इस्तेमाल चमड़ा जो आ रहा है गौ हत्या करके आ रहा है, ये पूरे गौ सेवकों का मानना है। क्योंकि शहर में जब अंतिम संस्कार तो चमड़ा आएगा कहाँ से, और 2-3 दिन में 1,000-1,200 इतना चमड़ा बाहर ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे गौ हत्या हो रही है। इसलिए गौ सेवकों को इसमें आक्रोश है। लगभग मध्य रात्रि में ट्रक निकलता है और मध्य रात्रि में 12:30 से 1 बजे के बीच में निकलता है, और उन ट्रक वाले जब कोई रुकना है तो उसके ऊपर से चढ़ा देते हैं ट्रक। उसमें हमारे गुल्लू भाई और उनकी टीम जो है रात के समय पकड़ी उसको और उसको पुलिस के हवाले करी, क्योंकि उन्होंने उस समय गाड़ी तेज चलाई, बड़े मुश्किल से पकड़ा गया। उसमें 4 लोग पकड़ा गया, उसमें मिराज पेट्रोल पंप का नाम लिया जा रहा है। मिराज पेट्रोल पंप वाले का पेट्रोल पंप दिखाने का काम है, बाकी पूरा उसका तस्करी का, गौवंश तस्करी का, गौ चमड़े का, गौ मांस का, गौ हड्डी का काम है। इसके पहले भी उसके पकड़े गए, उसके व्यक्ति को पकड़ा गया है और लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में वो काम कर रहा है। ये हमारा वैसे गौ तस्कर को पुलिस द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं करती? पुलिस की ये है कि पुलिस गौवंश के प्रति उनके हृदय में कोई दया भावना है नहीं। उनको जब लगता है माहौल बढ़ता है तब वो कार्रवाई करते हैं, अधिकतर समय ये देखा गया है। अब इसमें यह है कि जनता जागरूक हो और पुलिस को दबाव बना के हर विषय में कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस वाले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसका लाइसेंस जो हमने इसमें लाइसेंस पर आपत्ति की, हो सकता है लिमिटेड फर्म का वो कंपनी ने बना लिया हो, क्योंकि राज्य सरकार के जो हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई लाइसेंस हम देते नहीं है। वो लिमिटेड फर्म पंजीयन करा रहा होगा तो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है, उसकी जाँच करेगी। जहाँ भी त्रुटि पैदा उस धारा के अंतर डटाता कार्रवाई हम लोग करवाएंगे ही। गौ तस्करी का नहीं, उनको गौ तस्करी का धारा नहीं था, ये चमड़े मामला चमड़े का था, इसलिए उन्होंने महावीर जी से बात करी, क्योंकि बात चमड़े का मामला और ऐसे मामले बहुत कम आते हैं, क्योंकि लोगों को शंका नहीं होती। पर ये शंका हमारे इसलिए क्योंकि प्रत्येक गौ सेवक कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार, जब शहर का पूरा अंतिम संस्कार हो रहा है तो चमड़ा जाएगा कहाँ, चमड़ा कहीं ना कहीं चमड़ा गौ हत्या के माध्यम से आ रहा है।